बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ TDF म्यूज़ियम का पार्ट 3। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपको कैसा लगता है मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने इसमें आवाज़ बंद नहीं की, क्योंकि जो हम बातें कर रहे थे, जो हम बच्चियाँ सीख रही थी वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो सब मैं इसको लाइव आपको सुनाऊँगी और दिखाऊँगी। ये अब हम चल पड़े ऊपर की जानिब। थर्ड फ्लोर पे तो इतना टाइम लगा था ना कि, और इतनी वीडियो तो मैं बना भी नहीं सकी, क्योंकि आपको पता है इन जगहों पे जाओ तो मोबाइल बिल्कुल भर जाते हैं, फुल हो जाते हैं। तो काफ़ी वीडियो तो मैंने बनाई भी नहीं है। भांजी भतीजा भतीजियों ने भांजियों ने बनाई थी, तो उनसे ली मैंने फिर वीडियो कि आप मुझे दें, क्योंकि वो इतनी चीज़ें तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकी हूँ। बल्कि इन वीडियो में आप जाएंगे तो बच्चों को लेके, फैमिली को लेके जाइएगा, आप देखिएगा इतना एंजॉय करेंगे आप, और इतना कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को भी बड़ों को भी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है ये म्यूज़ियम। ये देखें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी, पता नहीं क्या था ये। ये ना रोलिंग अपहिल होता है इसमें ना, असल में ये नीचे को ही मूव कर रही होती है, लेकिन ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप होता है जिसमें हमें लग रहा होता है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन असल में देखो ना, अगर आप यूट्यूब पर भी इसको सर्च करके देखेंगे ना, आपको ट्यूटोरियल मिलेगा कि जो है ना ये असल में नीचे हो रहा है। इस पर ना बैठ के अपना खुद का वेट उठाते हैं। ये सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में था कि बस सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे एक्ट करती है हैवी बॉल्स पे और कम बेस पे। फ्रिक्शन के बारे में था, हर स्लाइड की फ्रिक्शन डिफरेंट थी, किसी की ज़्यादा थी किसी की कम थी, जिसकी ज़्यादा थी उस पर हम स्लो जा रहे थे, जिसकी ये जो कलर किया उसकी फ्रिक्शन सबसे कम थी और फिर बहुत तेज़ी से जा रही खड़ी रहती। इसको बस हम टच कर रहे थे ना, तो ये मतलब डांस टाइप कर रही थी। बाकी बोर्ड पे इंग्लिश में उर्दू में आपको सब लिखा हुआ मिलेगा, आप पढ़ें भी वहाँ पे, एक्सपेरिमेंट भी करें। देखें बोलिए क्या था, हवा के प्रेशर से। हाँ। हवा के प्रेशर से हो रहा है, और देखें बोल कहीं इधर उधर नहीं जा रही बिल्कुल उसी पाइप के ऊपर। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ ना, बहुत ज़्यादा। दोनों की जो डायरेक्शन है वो नीचे आने का टाइम है सेम है, तकरीबन सेम है, क्योंकि प्रेशर इक्वल ही सबको देता है। चलेगा समझा के, अब बच्चियाँ शुरू हुई हैं। अरे उसको आपको ना, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे खड़ी हुई थी, गाइड कर रही थी, या तो लड़के थे या लड़कियाँ थी, इस तरह ना हमको गाइड कर रही थी बच्चों को। हमको ये किस किस के घर में होता है, पहले तो हमारे घरों में यही वेट मशीन यही यूज़ होती थी, इसको तराजू बोलते थे हम। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी करके बताइएगा। ये म्यूज़ियम के थर्ड फ्लोर से ये सारी पटरियाँ नज़र आ रही थी, ट्रैक नज़र आ रहे थे, रेलवे ट्रैक, तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। और सामने अभी बैंक और UBL की जो बिल्डिंग थी वो भी नज़र आ रही थी, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई है। देखिए इधर इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने दिखाई भी नहीं है, इतनी सारी दिखाई नहीं, बस ऊपर ऊपर से देख देख लें आप लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो डिटेल्ड वीडियो। इनको बस ऐसे हमने सेट करना था कि हम एक को घुमाएं तो बाकी सारे भी घूमें, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता, तो हमने मतलब नहीं किया था। छः घंटे तो पता ही नहीं चला था, 5 से 6 घंटे। ये हमने बस एक रास्ता था बनाना था, और उसमें बॉय डालनी थी कि वो ना मतलब एक पॉइंट था उसमें जाके गिरे। ये सारी बॉल्स की जगह थी, लेगो ट्रैक बनाना था, इससे पीसेज रखे हुए थे, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता था। ये जो है ना साइकिल का जो है ना व्हील घूम रहा था, और उसके नीचे ना चेन लटकी हुई थी। अब इस चेन में हम अपनी जो वेव देते हैं ना, अपना टच करते हैं, उससे वेव आती है, उसकी वजह से जो है ना ये देखें इस तरीके से डांस भी करती है। तो
ये वाली गुलेल जो हम बचपन में कहते थे इसको गुलेल, तो ये किस किस ने चलाई गुलेल, इसे बड़ा मजा आता था मुझे। यहाँ पे फोम के पीसीस रखे हुए थे इस तरह कुशन टाइप के, जब हम बटन दबाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि ये मैग्नेट है। इसका जो लिक्विड है ना, लिक्विड सा है, लिक्विड नहीं होता है, लेकिन एक तरह से होता भी लिक्विड, जब टच करते हैं फिर पता चलता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ना अनयूजुअल शेप बन जाती है फ्लूइड के अंदर। मैग्नेट है हाँ, छोटे 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 से देखें ना, बस मैग्नेट से ना नीचे अंदर जो मेटल की बॉल्स पड़ी थी ना वो उसको खींच के ला रहे थे, बस हमने पजल सॉल्व करनी थी। ये भी बड़े मज़े का था। ये जो आपको मैग्नेट वगैरह हैं वो सारे हैं। लाइट सी हो रही है, हाँ ना, ये देख कितनी अच्छी लग रही है, ये देख, मुझे भी दिखाओ। अच्छा ये हो रहा है, ये फेरो सेल है, फेरो लिक्विड है छोटे छोटे से, और ये लाइट की वजह से जो ना इनकी लाइट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो लाइट डिस्पर्स नहीं हो रही है, उसके अंदर आ रही है। क्या हो रही है? इसके ऊपर आ रही है, देख इसके ऊपर आ गई पॉइंट पर, नहीं ब्लैक जगह पर करो, अच्छा हो रहा है करो, हाँ भी होगा, ये देख भाई जो लाइट को अपनी तरफ अटैक कर रहा है, लाइट को भी, और मैंने पहले देखा देखा मैंने भी, मैंने लाइट को भी ट्रैक कर लेता यार, मतलब लाइट है उसमें तेरा दानी है वजह से, और इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा कुछ है ना, वो जो लास्ट वाला ना मूवी बहुत मजे का था, बड़े मज़े की थी। आपको ये इस तरह के जो है ना, ये जो चीज़ें डालने वाली और जो मैग्नेट वगैरह हैं वो आपको काउंटर पे से मिलेंगे, शनाख्ती कार्ड जमा करते हैं वहाँ पे, और इस तरह आपको शॉपर में वो सारा कुछ दे देते हैं, फिर वापसी आप उस शनाख्ती कार्ड लेंगे और ये सारे इनको जो उजार लेंगे मैग्नेट वगैरह जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो उनको वापस करनी होती है। देखिए मैग्नेट ना इसमें कॉपर में से डालते हैं ना, तो वो कॉपर से टकरा कर आता है, क्योंकि वो उसके साथ ना मतलब अट्रैक्शन सी बना लेता है ना, ब्रास जैसे कि ब्रास जैसे होते हैं ना सॉलिड, उसके साथ नहीं बनाता, और इसी वजह से जो है ना वो उसमें से थोड़ा सा उसमें से बगैर टकराए आ जाता है। अभी अब हम आ गए मैथ की जानी है ना, मैथ ज्योमेट्री अलजबरा, यहाँ पे सारा आधे पोर्शन में ये सारा इसी का था, ये कैबिनेट बने हुए थे, इसमें मुख्तलिफ शेप रखी हुई थी ना, हर शेप से सारे खोल के दिखाए, हर शेप से ना मुशावरत रखने वाली चीज़ उस दराज में रखी हुई थी, काफ़ी सारी दराजें थी, मैंने सारी खोल के दिखाई हैं। आप मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें, आपको वीडियो कैसी लगी है और आपने क्या सीखा है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है लाजमी कमेंट्स करके बताया करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, और ये वीडियो लाजमी शेयर भी करें ताकि बच्चे और बड़े सारा कुछ समझ सकें, पढ़ें इसको। देखिए इधर सारा मैथ के रिलेटेड लिखा हुआ था, और काफ़ी सारी मैथ के रिलेटेड पजल्स भी रखी हुई थी इधर, वो भी तो था ना नीचे ज़मीन पे खेलने वाला, वो भी मैं हमने वीडियो बनाई उसके ना, वो रास्ता भी था राइट राइट साइड पे जाके जो था ना, इतनी चीज़ों की तो बनाई नहीं। ये देखें सारा मैथ, ये वॉच बनी हुई थी बहुत बड़ी सी, वॉल क्लॉक, तो इसका भी बनाया हुआ था सारा मैथ ही था, ये भी हल करना था, बच्चे लगे हुए थे खूब माशाल्लाह से, सारे एक्टिव हो गए थे। देखो सामने बनी है हमारी क्लॉक, देखिए हमने डोमिनो सेट किए थे, कितने सारे तो रखे हुए थे, और भी बना सकते थे पर टाइम ही नहीं था ना। एक वर्कशॉप टाइप बनी हुई थी, कारखाना, इसमें ना मतलब नीचे व्हील था, हम उसको घुमाते थे, और ये जो देखें ये एक्शन रिपीट कर रहा था अपना बंदा, बस
मैं मना कह रही थी मम्मी सब काम कर रहे हैं, मतलब आप भी सीख लो कुछ काम। मैंने बना रही हूँ यहाँ पे छोटा सा कैफेटेरिया टाइप का बना रहा हूँ ना, सिर्फ बैठने के लिए टेबल चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, बहुत प्यारा लगता है। देखिए सोलर पावर पे चल रहा था ये ट्रक जो था ना, मतलब देखिए लाइट बंद करते हैं ना तो वो रुक जाता है, और लाइट चलाते हैं तो वो चलने लग जाता है वापस। चारों तरफ बटन लगे हुए थे इसके लिए ना, एक भी लाइट ऑफ होगी तो वो आगे नहीं चल सकेगा, हर लाइट ऑन होगी तो वो चलेगा। देखिए इसके ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, वो बस शमसी दवाई लेती है और फिर आगे चलती है। अभी यहाँ पे पुराने कैमरे कंप्यूटर पुराने जमाने के देखें कैसेट्स वगैरह भी रखे हुए थे, कैसेट वगैरह टेप रिकॉर्ड में जो हम लगाते थे कभी इस जगह पे पुराने जमाने की, और फिर नए दौर का भी कुछ होता है यहाँ पे जो होती आप बना सकते हैं वीडियो वगैरह तस्वीरों के लिए, तो ये आप आगे देखिएगा। बच्चों ने बड़े इन्जॉय किया था और बहुत वीडियो बनाई थी, बस मैंने ये दो वीडियो डाली हैं ताकि ना वीडियो लेंदी ना। सामने देखें बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी। इसमें ना मेरे ख्याल से हम हाथ रख रहे थे तो हमारी हाथ की जो गर्माई थी उससे जो है वो बल्ब बंद हो रहा था। ये जो है वो हाइड्रोलिक पावर थी, मतलब पानी से बनने वाली बिजली, इससे ना ऊपर से पानी आ रहा था नीचे देखिए इस पाइप पे ये चीनी से, और वो नीचे टरबाइन घूम रहा था वो पानी को घुमा रहा था टरबाइन, और वो जो है वो फिर उससे इलेक्ट्रिक बन रही थी जैसे कि पाकिस्तान में बनती है, और उससे इसकी भी वीडियो में दिखाऊंगी। और नीचे ना बल्ब लगा हुआ था वो ऑन हो रहा था इससे ट्रेन में वापस में बनाई ना ये वेव से, ये रिपल टैंक जैसा था, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट से वेव बनाएंगे पानी के अंदर और उसी कितनी ताकत होती है वो बताया मुझे। मोर्स कोड जो होता है ना उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह थी। ये ना जो पुराने ज़माने की यहाँ पे चीज़ रखी थी ना वहाँ पे ये मॉडल रखा हुआ था कि नए ज़माने का, मेरे ख्याल से मॉडल रखा हुआ था कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, और ये देखना जगह ये चलें अब हम वापस आ रहे हैं, बस सारे उस पर पोर्शन में हम घूम फिर लिए हैं और आपको वीडियो भी दिखा दिए। अब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाएंगे और उसके बाहर जो काफ़ी चीज़ें थी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये लिफ्ट में एक बंदा बैठा होता है साथ, वो लेकर आता है वही लेकर जाता है, लिफ्ट भी है सीढ़ियाँ भी हैं, जैसे आपको आसानी हो आप वैसे जा सकते हैं। चलें आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये जो आफ्टर शॉक का था रूम, ये ना जलजले के बारे में बता भी रहे थे और जलजला आ भी रहा था। चलें ठीक है, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।